हेलो बच्चों, वेलकम टू पटेल कोचिंग यूट्यूब चैनल। चलिए हम सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं। तो हमारा गद्यांश है, पशु को बांध कर रखना पड़ता है क्योंकि वह निरंकुश है, चाहे जहाँ तहाँ चला जाता है, इधर उधर मुंह मार देता है। क्या मनुष्य को भी इसी प्रकार दूसरों का बंधन स्वीकार करना चाहिए? क्या इससे उसमें मनुष्यत्व रह पाएगा? पशु के गले की रस्सी को एक हाथ में पकड़कर और दूसरे हाथ में एक लकड़ी लेकर जहाँ चाहो हाँक कर ले जाओ। जिन लोगों को इसी प्रकार हाँके जाने का स्वभाव पड़ गया है, जिन्हें कोई भी जिधर चाहे ले जा सकता है, काम में लगा सकता है, उन्हें भी पशु ही कहा जाएगा। पशु को चाहे कितना मारो, चाहे कितना उसका अपमान करो, बाद में खाने को दे दो, वह पूंछ और कान हिलाने लगेगा। ऐसे नर पशु भी बहुत से मिलेंगे जो कुचले जाने और अपमानित होने पर भी जरा सी वस्तु मिलने पर चर संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। कुत्ते को कितना ही ताना देने के बाद उसके सामने एक टुकड़े डाल दो, वह झट से मारपीट को भूलकर उसे खाने लगेगा। यदि हम भी ऐसे ही हैं तो हम कौन हैं, इसे स्पष्ट कहने की आवश्यकता नहीं है। पशु में भी कई पशु मारपीट और अपमान को नहीं सहते हैं, वे कई दिन तक निराहार रहते हैं। कई पशुओं ने तो प्राण त्याग दिए ऐसा सुना जाता है, पर इस प्रकार के पशु मनुष्य कोटि के हैं, उनमें मनुष्यत्व का समावेश है। यदि ऐसा कहा जाए तो कोई अतियुक्ति न होगी। इस गद्यांश में समझाया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ प्रभाव नहीं करता है तो वो पशु के समान है, यदि उसको डांटे डपटे तो उसको नहीं लगता है तो भी क्या है, पशु के समान है। और यदि कोई पशु को थोड़ा डांट देते हैं तो वो भी निराहार रह जाता है, अपमानित होता है, अर्थात वो भी मनुष्य की कोटि में आता है, इसी को समझाया गया है। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। निम्नलिखित में से निर्देशांक सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। पहला है हमारा, कई पशुओं ने प्राण त्याग दिए क्योंकि उन्हें विद्रोह करने की अपेक्षा प्राण त्यागना उचित लगा, उन्हें तिरस्कृत हो जीवन जीना उचित नहीं लगा, वह यह शिक्षा देना चाहते थे कि प्यार मारपीट से अधिक कारगर है, वह यह दिखाना चाहते थे कि लोगों को उनकी आवश्यकता अधिक है न कि उन्हें लोगों की। तो इसमें हमारा ऑप्शन है, उन्हें तिरस्कृत हो जीवन जीना उचित नहीं लगा, उन्हें तिरस्कृत हो जीवन जीना उचित नहीं लगा। हमारा आंसर है, उन्हें तिरस्कृत हो जीवन जीना उचित नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंधन स्वीकार करने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? इसका पहला ऑप्शन है, मनुष्य सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से कम स्वतंत्र हो जाएगा, मनुष्यत्व में व्यक्तिगत इच्छा और निर्णय का तत्व समाप्त हो जाएगा, मनुष्य बंधे हुए पशु समान हो जाएगा, मनुष्य की निरंकुशता में परिवर्तन हो जाएगा। इसका इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है, मनुष्यत्व में व्यक्तिगत इच्छा और निर्णय का तत्व समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को परिभाषित करने हेतु कौन सा मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है? स्वतंत्रता, न्याय, शांति, प्रेम। तो हमारा आंसर है स्वतंत्रता। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार कौन सी उद्घोषणा की जा सकती है? सभी पशुओं में मनुष्यत्व है, सभी मनुष्यों में पशुत्व है, मानव के लिए बंधन आवश्यक नहीं है, मान अपमान की भावना केवल मानव ही समझता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है, मानव के लिए बंधन आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में नर और पशु की तुलना किन बातों को लेकर की गई है? पहला है पिटने की क्षमता, दूसरा पूंछ कान आदि को हिलाना, तीसरा बंधन स्वीकार करना, चौथा लकड़ी द्वारा हाँके जाना। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है, बंधन स्वीकार करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।